पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में रहने वाले अनुज वर्मा स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर हिमाचल प्रदेश की माउंट यूनाम की चोटी पर तिरंगा फहराकर इतिहास रचेंगे। 10 अगस्त से 17 अगस्त तक जारी यात्रा में यूनान की चोटी को क्लाइम करके हिंदुस्तान एडवेंचर फाउंडेशन की टीम में शामिल मुरादाबाद के अनुज वर्मा मुरादाबाद का नाम रोशन करेंगे। शनिवार को मुरादाबाद से पर्वतारोही अनुज वर्मा यूनाम की चोटी को फतह करने के लिए रवाना हो गए। इस दौरान अनुज वर्मा को फ्लैग ऑफ करके एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा के द्वारा उन्हें रवाना किया गया। इस अवसर पर एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा ने पर्वतारोही अनुज वर्मा को शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया। इस अवसर पर एडीएम सिटी ने कहा कि खेलों के प्रोत्साहन के लिए जिस तरह से सरकार काम कर रही है, उसी जज्बे के साथ युवाओं को भी बढ़ चढ़ कर इस ओर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कहा कि पर्वतारोही अनुज कुमार मुरादाबाद और देश का नाम रोशन करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो वहीं अन्य संस्थाओं के द्वारा भी उनका सम्मान करके उन्हें हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर अनुज वर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर मैं तिरंगा फहराकर मुरादाबाद के साथ साथ प्रदेश और देश का नाम रोशन करूंगा। इस अवसर पर एडवोकेट अभिषेक सिंह, अनिल सक्सेना, रवि तिवारी, संजीव ठाकुर, उदयभान सिंह के साथ और भी लोग मौजूद रहे। और मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ये और भी उससे ऊँची उड़ाई चले, हमारे नाम का, हमारे देश का और जिले का भी नाम रोशन करे, देश का भी नाम रोशन। ऐसे वक्त में जहाँ खेलों ओलंपिक चल रहा है, उस दौर में बच्चे बाहर निकल, खेलों का भी दौर है। और सबसे बड़ी बात कि इस छोटे से शहर से निकल करके वहाँ तक चलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ। वर्मा, अच्छा कहाँ जा रहे हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश यूनाम ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ 21,000 फीट पर। अगवानपुर से मोहम्मद नूर पर्वतरोही, उनको हमारे लीडर हैं। अच्छा, यहाँ के जो एडीएम सिटी साहब के पास में आए, यहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स रहा? इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं आपको? जी हाँ, सर ने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं, इनके लिए सर के लिए बहुत बहुत बधाई। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।